एक कश्मीरी पंडित महिला रजनी को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी शिनाख्त की और फिर AK-47 से उसे भून डाला। क्यों खामोश हो तुम? क्योंकि कश्मीर फाइल्स पर तो तुमने मलाई काट ली, कश्मीरी पंडितों पर तुमने खूब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में वोट्स काटे, मगर आज जब रजनी की मौत हो गई है तो उस पर तुम सब खामोश हो। आज कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर गोली चला दी गई, तुम सब खामोश हो। कुछ दिनों पहले राहुल भट्ट को मौत के घाट उतार दिया गया था, तुम सब खामोश थे। जब सड़कों पर कश्मीरी पंडित उतरे थे, जब उन पर लाठियां भांजी गई थी, तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए थे, तुम सब खामोश थे। क्यों, मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, रजनी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया ना, सोच के भी सेहरन पैदा होती है कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रजनी 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब उसने घाटी छोड़ दी थी, और फिर जब सरकार उनका पुनर्वास कर रही थी, उसी के अंतर्गत एक योजना के तहत वो वापस कश्मीर लौटी थी, और उसे सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। खबर क्या है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और इससे आपको पता चलेगा आतंकवादियों की बर्बरता, सरकार की नाकामी और हमारे मुख्य धारा के मीडिया की नपुंसकता। क्षमा कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मन तो ये कर रहा है कि इससे भी बदतर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए इस दोगली मीडिया के लिए। खबर देखिए, कुलगाम कश्मीरी पंडित किल्ड, राहुल भट्ट के बाद एक और कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या, 90 के पलायन के बाद लौटी थी कश्मीर। नवभारत टाइम्स ने जो हाइलाइट्स बताए हैं आपके स्क्रीन पर, कश्मीर के कुलगाम जिले में महिला कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोपालपुरा इलाके में हाई स्कूल के पास मारी गोली, घटना के पास इलाके में बड़ी तलाशी अभियान, मौके पर सेना और CRPF, और इस पर गौर कीजिएगा, सबसे शॉकिंग यह है, मई महीने में प्रधानमंत्री स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत भर्ती दूसरे कर्मचारी की हत्या। पहले राहुल भट्ट और अब रजनी, खबर क्या कह रही है इस पर गौर कीजिएगा, किस निर्मम तरीके से कायर आतंकवादियों ने हमारी रजनी को मारा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री पैकेज पर भर्ती हुई एक महिला कर्मचारी की हत्या कर दी है। यह महिला कुलगाम में एक टीचर थी, और 1990 में हुए पलायन के बाद उसे PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई थी। कश्मीर घाटी के स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर पहले शिक्षिका से उसका नाम पूछा और फिर उसे AK-47 से मार दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात आतंकवादियों ने उसे मंगलवार सुबह उसके स्कूल में ही गोली मारी, जिसके बाद उसे कुलगाम के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत शिक्षिका की पहचान रजनी के नाम से हुई है, जो कि सांबा की रहने वाली है। और आपके स्क्रीन पर राजस्थान से एक बैंक मैनेजर, इसे भी मार दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, जिम्मेदारी किसकी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुख्यधारा के तमाम न्यूज चैनल्स, ये जो पालतू न्यूज चैनल्स हैं, इस पर डिबेट करेंगे, तो आप जानते हैं इसमें क्या कहेंगे ये लोग? कहां है डिजाइनर पत्रकार? क्यों खामोश है लुटियंस लॉबी? क्यों खामोश है उदारवादी? इनमें से कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही आखिर कब तय की जाएगी। अमित जी, आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान गए मैडम के साथ, अच्छी बात है, देखिए वो फिल्म जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है प्रोपेगेंडा के लिए, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिरी बार कब आपने कश्मीरी पंडितों के राहत शिविरों में जाकर उनसे सहानुभूति जतलाई थी, बताइए ना। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप वोट्स तो बटोर रहे हैं, उनके नाम पर फिल्म भी बनी, याद है कि नहीं आपको, कश्मीर फाइल्स, उसने 200-300 करोड़ रुपए भी कमाए। जब उनके निर्देशक से पूछा गया कि इसका छोटा सा हिस्सा कश्मीरी पंडितों को जाएगा, तो महाशय कहते हैं कि साहब इतनी कोई कमाई नहीं हुई है, इतना छोटा दिल है इन लोगों का। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, 90 के दशक के बाद पहली बार हो रहा है कि एक बार फिर पलायन को मजबूर हैं वहां के माइनॉरिटीज, यानी कि वहां के हिंदू, वहां के सिख,
और वहां काम करने वाले जो लेबरर्स हैं। और मैं जानता हूं इस देश की जनता का एक ही समाधान है, वो क्या करेंगे कि जो कश्मीरी मेहनत कश कश्मीरी मुसलमान मेनलैंड में आकर काम कर रहे हैं, यानी कि लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आप उन पर अपना गुस्सा निकालोगे? उन पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अपना गुस्सा निकालना है तो सरकार से सवाल पूछिए, है हिम्मत आपकी? हाँ, उन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को मैं नपुंसक बता रहा हूं, मगर क्या यह शब्द मुझे आपके लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए? आप वो लोग जो इस सरकार को बचाने का, इस पॉलिटिकल पार्टी को बचाने का कोई जरिया नहीं छोड़ते हैं। मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि रजनी का क्या दोष था कि आप लोगों ने चुप्पी साधी हुई है? बोलिए, क्या दोष था राहुल भट्ट का? इन्हें अगर प्रधानमंत्री की एक योजना के अंतर्गत सांबा से या जम्मू से यहां घाटी में बुलवाया गया तो इन्हें रक्षा किसे देनी चाहिए? कुछ दिनों पहले मैं नहीं भूला हूं, एक टीचर को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया था। क्यों? क्योंकि वो टीचर स्कूल में बच्चों से कह रही थी कि भाई तुम देशभक्ति के गाने गाओ। वो सिर्फ भारत सरकार नहीं, देश का फरमान उसे लागू करवा रही थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे क्या सुरक्षा मिली? आप और हम तो उसे खबर के तौर पर देखकर उसे भूल भी गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस टीचर के बच्चों का क्या हाल होगा, उसके पति का क्या हाल होगा, या वो तमाम लोग जो मारे गए हैं, जो पूरी तरह से आश्रित थे राहुल भट्ट पर या रजनी पर? क्या हमने कभी सोचा है कि उस मौत के आगे की क्या कड़ी है? उस मौत के आगे की कड़ी उनका परिवार है, कभी हमने उनके बारे में सोचा है? जो लोग कश्मीरी पंडितों के नाम पर गंदी सियासत करते हैं, इस सवाल का जवाब दें मुझे। मगर सबसे दुख की बात यह है कि यहां दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में काम कर रहे हैं, कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो भाजपा की फील्डिंग करने, उसका प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, मगर जब ये मुद्दे आते हैं तो पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। बताइए ना दोस्तों, क्या कहा जाए इनके बारे में, क्या कहा जाए मुख्यधारा की मीडिया के बारे में? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि भाई सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये बात समझता हूं कि सरकारों के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। अब जबकि धारा 370 हटा दिया गया है, अब जबकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, अब जबकि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का एक छत्र राज है, यह सब है कि नहीं बताइए, या ये मैं सपने देख रहा हूं? बावजूद इसके फिर से हो रहा और बढ़ रहा है, तो क्या आपको इसके ऊपर सवाल नहीं पूछने चाहिए, या आप लोग खामोश रहेंगे हर बार की तरह? क्या आप लोग इस बात को लेकर खुश होंगे कि कहीं किसी टीवी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम स्लॉट में मुसलमानों को गाली दी जा रही हो या कश्मीरियों को गाली दी जा रही हो, मगर उनके नाम पर यहां हम दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश यूपी में पॉलिटिक्स करेंगे? कितने शर्म की बात है। मैं बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हमेशा से हूं, न सिर्फ एक पत्रकार होने के तौर पर, मैं अपने इस मंच पर आपके प्रदर्शन को उठाता रहा हूं, आगे भी उठाऊंगा, मगर सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ इस देश के नागरिक होने के तौर पर, और न सिर्फ कश्मीरी पंडित, तमाम कश्मीरी, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, मैंने हमेशा कहा है कश्मीर मेरा अभिन्न अंग है, मेरे देश का अभिन्न अंग है, मगर उससे ज्यादा मेरे अभिन्न अंग है वहां रहने वाले लोग, क्योंकि लोग एक जमीन के टुकड़े की आत्मा होते हैं, उन्हें बनाते हैं, उनके प्रति मेरी सहानुभूति, मेरी इज्जत है। मैं समझता हूं, मैं उस पेचीदगी को समझता हूं जब एक कश्मीरी पत्थर उठा के हमारे आर्मी ऑफिसर्स पर या हमारे आर्मी के जवानों पर पत्थर फेंकता है, उस रिश्ते की पेचीदगी को हम समझते हैं, मगर इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाए, बहुत जरूरी है कि आप आम कश्मीरी को हीलिंग टच दें।
उसका मजाक ना उड़ाएं, उसे ताना ना दें, उसे गाली ना दें, उस पेचीदगी को समझें। और मैं उस पेचीदगी को समझकर ही इस मुद्दे को संबोधित कर रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।